हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद वाजिद और आप देख रहे हैं खबर 24 हर हिंदवासी का चैनल। दोस्तों, आज मैं लोहारा एरिया में, कबीरधाम जिले के लोहारा एरिया में गिट्टी माइंस के पास आया हुआ हूं। सोचा कि आपके लिए यहां कुछ अच्छी चीज़ें दिखा पाऊं, जो कि कोशिश करूंगा कि आपको बारी बारी यहां की सभी चीज़ें दिखा पाऊं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा यहाँ का गिट्टी माइंस है, गिट्टी खदान है, जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ज़मीन सतह से कितना नीचे तक की खुदाई की जा चुकी है। वहीं ये बहुत दूर तक के फैला हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे और कहाँ कहाँ खुदाई की गई है और किस तरीके से यहाँ माइंस का काम चल रहा है, गिट्टी खदान का काम चल रहा है, वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो गाड़ियाँ हैं वो नीचे बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही है। आप यहाँ क्रेन देख सकते हैं, कितना छोटा दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़े जगह में फैला हुआ जगह है, जो कि लोहारा से और कवर्धा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और लोहारा से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही है कवर्धा रोड में। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ भी गिट्टी निकाली गई है, और उसी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको आगे का भी कुछ सीन दिखा पाऊँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ गिट्टी निकलने के चलते जगह पानी से भर गई है, और इतनी गर्मी में जहाँ एक ओर सभी जगह से पानी का सतह स्तर कम हो गया है, पानी नहीं आ रहा है, यहाँ बहुत मात्रा में पानी भरी हुई है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ कितनी ज़्यादा मात्रा में अभी भी पानी है, क्योंकि खुदाई ज़्यादा होने के चलते जो पानी का स्तर है वो नीचे वाली जगह में आ गया है, जहाँ पानी होता है, और उसके वजह से यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है। और आप घूमने के लिए भी आ सकते हैं, और इसका जो लोकेशन है वो कवर्धा से लोहारा रोड में है, और लगभग रोड से लगा हुआ है, तो आपको ज़्यादा अंदर आने की ज़रूरत नहीं लगेगी। रोड से लगभग 300 मीटर की दूरी में है ये जगह। चलिए दोस्तों, ये आप देख लिए। इसके अलावा मैं आपको साइड की और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जो कि आपके देखने लायक है। यहाँ से पहले कोशिश करूँ कि लेफ्ट साइड बहुत पास में ही ये बड़ी जगह है, जहाँ गिट्टी की खुदाई के चलते थोड़ी गहराई ज़्यादा हो गई है। और कभी भी आए तो सेफ्टी के साथ आएँ और थोड़ा दूर रहें जगह से। और मैं यही कहूँगा कि बच्चों को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ दुर्घटना, अगर आप सही तरीके से सावधानी नहीं बरतते तो दुर्घटना घटित हो सकती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा इस जगह को दिखाने के साथ साथ कि अगर आप ना भी आएँ तो कोई बात नहीं, आप हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से इसे एक मनोरंजन के रूप में देखें और वहीं से इसका आनंद ले लें। चलिए आगे, थोड़ा सा और पानी जमा हुआ है और खदान अपने आप में तालाब का रूप ले लिया है, उसे भी आपको मैं दिखाऊंगा। और साथियों, ये इसी खदान का ही एक हिस्सा है, जहां आप देख पा रहे हैं कि बड़ी मात्रा में पानी स्टोर हुआ है, और इतने जल स्तर कम होने के बाद भी यहां पर्याप्त मात्रा में पानी भरा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहां कुछ साथी जो हैं पास के, वो नहा भी रहे हैं। चलिए मैं कोशिश करूं कि पीछे तरफ भी आपको कुछ और दिखा दूं, ताकि आपको इसके बारे में कुछ और जानकारियां मिल पाए। कि आप देख पा रहे हैं, ये जस्ट लगा हुआ है, इसी से एक हिस्सा है, और यहाँ भी पानी कुछ स्टोर हुआ है। लगभग इतने गर्मी के मौसम में भी यहाँ पानी का स्टोर होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुदाई ज़्यादा हो गई है और खुदाई के चलते जो स्तर है, उदाहरणतः घर में जब बोर खुदाया जाता है तो लगभग अच्छी खासी फिट खुदाई की जाती है, तब जाके पानी का स्तर मिलता है। और यहाँ जाहिर सी बात है, भूमि की सतह से बहुत खुदाई हो गई है, तो ऑलरेडी वहाँ पानी है। अब वहाँ पानी है तो वो पानी मौजूद रहेगा ही, क्योंकि वो तो उसका स्तर ही है, इसलिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है। और साथियों, ये छोटा सा एक जगह बचाया गया ताकि हम यहाँ से पुल की तरह जा पाएँ। ये राइट साइड में भी खदान है जहाँ पानी स्टोर है, और ये लेफ्ट साइड का वो खदान है जहाँ अभी भी खुदाई जारी है, जिसको आप देख पा रहे हैं, और ये लगभग बहुत दूर तक के है।
और साथियों मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत और जो बचा हुआ जगह है वो भी आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि इस एरिया में मैं आज फील्ड में आया हुआ हूं, दरअसल कुछ जगहों की न्यूज़ संबंधित, और ये अच्छी जगह लगी तो मैं सोचा कि आपको उसके साथ साथ ये भी न्यूज़ दे दूं, क्योंकि इसे आप न्यूज़ के ही संबंध में ही ले लें ताकि आपको कुछ जानकारियाँ मिल जाए। लेकिन कभी भी यहाँ अगर घूमने आप आए तो ख्याल रखिएगा, ये बहुत ही माइंस की जो जगह है वो थोड़ा सावधानी बरतने वाली जगह है, क्योंकि आप जो देख पा रहे हैं यहाँ बच्चों को लाना उचित नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे ही हैं। अब वो कुछ भी करें तो उसमें तो गुस्सा आता है, लेकिन अब गलती कर देंगे तो गलती को तो स्वीकारना पड़ेगा, और गलती बड़े स्वीकारेंगे तो बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों को ऐसी जगहों में ना लाएं। हाँ, आप अगर कभी घूमने की नीयत है तो आ सकते हैं, बट ऐसी जगहों में बच्चों को ना लाएं। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर हमारे अगले न्यूज़ में मिलेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे न्यूज़ पोर्टल में भी जाकर अन्य न्यूज़ और ख़बरों को देखें और अपनी प्रतिक्रियाएँ दें, और इसके अलावा अगर हम कहीं न्यूज़ संबंधित फील्ड में जाते हैं तो ऐसी देखने लायक जगहों को भी अगर हम आपको देते हैं देखने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप उसे ज़रूर देखें और सराहें, क्योंकि आप जब सराहते हैं तो हमें सिर्फ वही चाहिए, आप अगर खुश हैं तो हम खुश हैं। चलिए साथियों, धन्यवाद।